आपके पास मशीनरी थी नहीं, हादसा इतना बड़ा हो गया इसे दुखद हो नहीं सकता था, और आपकी मशीनरी नारकंडा से जा रही है कहां कन्नौर के लिए। कैन यू इमेजिन, ये हो क्या गया है सरकार को मुझे बताइए। कोई चिंता नहीं है आपका, वो जो बुलडोजर है कोई बुलडोजर नारकंडा से पहले मिला नहीं है, नहीं। इससे मैं बताता हूं उसे खोखलापन किसी सरकार का हो नहीं सकता है। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, ये बिल्कुल दुखद घटना हुई है। हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और ऐसी कठिन घड़ी में उनका दुख कैसे कम हो सकता है, उसके लिए जो कुछ सरकार की तरफ से होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये आखिरी है जो पहले 25 जुलाई को कन्नौर में हो गया, उसके बाद पिछले कल हो गया, आगे कितनी दफा होगा कोई गारंटी दे नहीं सकता है। आपने सारे पहाड़ों की छननी कर दी, जो प्रोजेक्ट में कंपनियां आती है वो तो पैसे को ऐंठने के लिए आती है, वो कोई वो नहीं मापदंड नहीं अपनाती है कितना एक्सप्लोसिव जाएगा कितना आप करेंगे। मुझे पता है हमने ट्रेड यूनियन किया है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो नाथवा झाकड़ी हुआ है, रिकॉर्ड टाइम में जो एरिया बना नुगल सारी टू बधाल, रिकॉर्ड टाइम में बना था वो जो, और हम जानते हैं कि किस लेवल का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है वहां पर। आज हालात ये हो गई है, सारी पहाड़ियां कच्ची हो गई है, लेकिन हमारा नेशनल हाईवे और जो दूसरा है वो उस तरीके से उसका रख रखाव कहां से टूट रही है पहाड़ी वो किसी को मालूम नहीं है, ना पता करना चाह रहे। तीसरी बात है जो आपकी सेब ने सेब की है, सेब का सीजन चल। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं ये कोई किन्नौर की एक ही घटना नहीं है, किन्नौर में पहले भी इसे ऐसी घटना घटी है, पुल टूट गया था, कुछ लोग जो है वो उसमें उनकी जान चली गई थी, और जगह पे भी, सिरमौर में भी हुआ, दूसरी जगह पे भी हुआ। आज प्रश्न ये था कि जब बड़ा इतना घटना घट गई, सुना हमने ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत जो है वो वहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे मुख्यमंत्री जी जाएंगे, लेकिन कल मौसम की वजह से वो नहीं जा पाए, आज गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सबके लिए ये घड़ी जो है वो दुखदाई है कि वहाँ पे जो बस में आ रहे थे लोग, जो कुछ और गाड़ियाँ थी वहाँ पे प्राइवेट थी या कोई टैक्सीज थी, उनके ऊपर भी जो है वो जो है ये पहाड़ उनको भी ले गया साथ में। तो आज की तारीख में ये था कि अंदर जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने जो वहाँ पे शोकोद्गार जो है वो शुरू किए, लेकिन वो सभी ने उसमें जो है वो दो मिनट का मौन भी रखा गया। तो उसमें जितने भी जो लोग हैं जो हमारे से जो जुदा हो गए, अंदर तो 13 की बात हो रही थी, अभी बाहर आए तो पता लगा कि 2 और आदमी जो है उसमें मौत हो गई, 15 हो गए। अब 15 के अलावा अगर देखा जाए सरकारी जो तंत्र है वो कह रहा है कि और बहुत सारे 20-25-27 आदमी और हो सकते हैं जो दबे हुए हैं। अब दबने का मतलब यह है कि पिछले काल कल घटना घटी, अब हम आज ये सोचें कि जी वो जीवित रहे होंगे तो शायद वो संभव नहीं है, तो वो भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन जो आपने पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि किन्नौर को जुड़ता आगे हमारा जो है वो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ तक जो है ये सड़क जाती है, होना ये चाहिए था कि भाई होना चाहिए था और होना भी चाहिए कि वहाँ पे थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है वो मशीनरी, चाहे वो DGBR की हो चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की हो, वहाँ पे मशीनरी होनी चाहिए। और जब आप उसको जो है ना खुदाई कर रहे हैं, चौड़ी हो रही है, तो इन घटनाओं को सामने रख के जो है वो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया है। दूसरी चीज़ यह है कि कल अगर मान लो हमने पंजाब से हरियाणा से हेलीकॉप्टर मंगवा लिए, जब हेलीकॉप्टर वहाँ जा ही नहीं सकता, 6 घंटे के बाद जो है हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मैं ही कहना चाहूँगा क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति भी है,
मौसम की खराबी भी एक वजह है, लेकिन हम लोगों को चाहिए यह था कि वहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है ना, और घटनाएं सिरमौर में घटी, क्या क्या हमारा ध्यान ही उस तरफ को नहीं गया कि वी शुड बी एक्टिवली वहाँ पे हो रहे हैं। जब 6 घंटे के बाद जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि उसके बारे में बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होते हैं। मैं आज उनके ऊपर नहीं बोलना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो तुरंत उसके बाद जो भी मदद करने की हो करें। अंदर तो कहा गया कि जी प्रधानमंत्री जी का भी टेलीफोन आया, होम मिनिस्टर का भी टेलीफोन आया, जगत प्रकाश नड्डा जी का भी टेलीफोन आया। टेलीफोनों से जो है ना ये राहत नहीं आएगी जब तक ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं उतरती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रदेश की गवर्नमेंट हो। इन सबको जो है ना मैं कहना चाहूँगा, जो प्रभावित लोग हैं उन तक जो है वो सही तौर पर पहुँचना चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए, कि जो गरीब लोग हैं, जो उसमें जाने चली गई हैं, जो परिवार जो उससे प्रभावित है, उनको जो है वो सीधे तौर पर। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।